रूस युद्ध हार जाएगा, यूक्रेन युद्ध जीत जाएगा, रूस पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, रूस का नामो निशान नक्शे से मिट जाएगा, पश्चिमी देश पूरी दुनिया पर राज करेंगे, 600 सालों पुरानी पंच सखाओं की रचना भविष्य मालिका झूठा साबित होगा, क्या ऐसा संभव है? जय और पराजय का विचार छोड़ के कर्तव्य पर ध्यान दो, डर अपने आप दूर हो जाएगा। सूरज पश्चिम से उदय हो सकता है, पर्वत के शिखर पर कमल खिल सकता है, पृथ्वी टूटकर दो भाग हो सकता है, ये असंभव चीजें संभव हो सकती हैं, परंतु पंच सखाओं की वाणी, ग्रंथों की माला, भविष्य मालिका पत्थर की लकीर है मेरे मित्र, कोई इसको बदल नहीं सकता। आज पश्चिमी देश झूठे खबरें प्रकाशित कर रहे हैं कि रूस युद्ध हार जाएगा, यूक्रेन युद्ध जीत जाएगा, रूस पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, रूस का नामो निशान नक्शे से मिट जाएगा, पश्चिमी देश पूरी दुनिया पर राज करेंगे, परंतु ये सब बातें सत्य से कोसों दूर है। जो दिखता है वही बिकता है, पर जो दिखा कर बेचा जाता है वो हमेशा सत्य नहीं होता। आज पश्चिमी देश जो हमें दिखा रहे हैं वो केवल एक झूठ का जाल मात्र है। सत्य तो यह है कि बहुत जल्द रूस परमाणु आक्रमण करने वाला है। सत्य तो यह है कि पश्चिमी देशों का अंत होने वाला है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि 600 सालों पुराने पंच सखाओं की रचना भविष्य मालिका की वाणी है, एवं इस सृष्टि में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है जो भविष्य मालिका को झूठा साबित कर दे, क्योंकि परम ब्रह्म निराकार समग्र संसार के नाथ महाप्रभु जगन्नाथ जी की वाणी है। हाँ, ये अवश्य सत्य है कि आज रूस यूक्रेन के युद्ध भूमि में कुछ स्थानों पर पीछे हट रहा है, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि रूस हार चुका है या डर चुका है। शेर अगर दो कदम पीछे लेता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वो डर गया, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अब शेर एक घातक छलांग मारकर अपने शिकार का एक ही झटके में अंत कर देगा। हम सब ने कारगिल का युद्ध देखा है, एक समय ऐसा लग रहा था कि अब भारत का जीतना असंभव है, परंतु युद्ध का परिणाम क्या हुआ ये पूरी दुनिया को मालूम है। इतिहास का सबसे बड़ा महायुद्ध महाभारत में भी एक समय ऐसा आया था जब सबको लगा कि अब पांडवों का जीतना असंभव है, परंतु युद्ध का परिणाम क्या हुआ यह बच्चे बच्चे को मालूम है। यह युद्ध शास्त्र है मेरे मित्र, कोई गली की लड़ाई नहीं। युद्ध अस्त्रों से अवश्य लड़ा जाता है, परंतु असली युद्ध दिमाग से जीता जाता है। भविष्य मालिका की ज्यादा गुप्त बातें तो नहीं बता सकता, पर एक बात सांकेतिक रूप से अवश्य बताना चाहूंगा, परमाणु युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाएं। जय जगन्नाथ, जय पंच सखा, जय हिंद।